हमीरपुर पुलिस लाइन के अंदर आज सुबह ही चार आतंकवादी घुस गए, जिन्हें पकड़ने के लिए हमीरपुर पुलिस के पसीने छूट गए, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस दलबल के साथ पुलिस लाइन पहुंचा। इस अवसर पर डीएसपी शेर सिंह की अगुवाई में क्यूआईटी टीम ने एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा, जबकि तीन आतंकवादियों को मार गिराया है। करीब आधा घंटे तक चली मुठभेड़ में पुलिस और आतंकवादियों की ओर से फायरिंग भी होती रही है। गनीमत ये रही कि इस दौरान पुलिस का कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ, जबकि तीन पुलिस जवान घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। ये वाकया हमीरपुर पुलिस लाइन में आज आतंकवादियों को पकड़ने की मॉक ड्रिल के दौरान हुआ, जहां पर पुलिस ने पुलिस लाइन के अंदर घुसे हुए चार आतंकवादियों को रेस्क्यू किया। पुलिस लाइन में इस तरह के शोर शराबे और गोलियों की आवाज को सुनकर आसपास के लोग भी सन हो गए थे। डीएसपी शेर सिंह ने बताया कि आज सुबह पुलिस लाइन परिसर में कुछ आतंकवादी घुस गए थे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस जवानों ने मॉक ड्रिल करवाई गई। इस दौरान तीन पुलिस जवान घायल भी हुए हैं, जबकि पुलिस ने एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। हमीरपुर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें कि पुलिस लाइन की ओल्ड बिल्डिंग में कुछ आतंकवादियों के घुसने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो हमने अपने जो हमारी जो क्यूआरटी टीम है उसको अलर्ट किया, तो क्यूआरटी ने अपनी पोजीशन ली और आतंकवादियों का पीछा करने निकल पड़ी। उसके बाद हमने इमीजिएट अपनी जो दूसरी पुलिस की लाइन की गार्ड है उनको अलर्ट किया, और उसके बाद एकदम फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू के लिए और हॉस्पिटल एम्बुलेंस को बुलाया, ताकि घायलों को और इंजर्ड घायल या डिसीजर जो भी हो सकता है इस घटना में उनको संभाला जा सके, उनको सही टाइम पे ट्रीटमेंट दी जा सके, क्योंकि आतंकवादियों ने जो है एक बिल्डिंग में घुसे थे और दूसरी तरफ उन्होंने आग लगा दी, तो इमीडिएट फायर वर्किंग जैसे ही फायर और एम्बुलेंस ने तुरंत एक्शन किया, वो भी तुरंत आ गए और फायर ब्रिगेड ने सबसे पहले आग को बुझाया और जो घायल लोग थे उनको एकदम वहाँ से रेस्क्यू किया और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज दिया। इस घटना में एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा और दूसरा बेहोश हो गया था, उसको भी हॉस्पिटल भेजा गया, और इस दौरान हमारे तीन आदमी घायल हुए थे, उनको उन तीनों घायलों को भी रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया। और इन आतंकवादियों के इस घटना में एक AK-47 और कुछ असला बरामद हुआ, जिसको कब्जे में ले लिया है और पूरी बिल्डिंग को तलाश कर लिया है फायर ब्रिगेड और पुलिस हमारी क्यूआरटी की टीम ने। तो अब इस और कोई आतंकवादी या उनकी कोई सुराग उसके बारे में कोई और कुछ भी नहीं है, और ना ही उनका असला या एमुनिशन मौजूद है।